पहले से ही ये था कि कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से श्री एच डी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे, और अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें यही एक ऑप्शन बचता है कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए जेडीएस और कांग्रेस साथ आएं, और कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया है तो हमने उसको रेसिप्रोकेट किया है, हमने वो ऑफर एक्सेप्ट किया है। क्या किसी तरह का प्रपोजल बीजेपी की तरफ से दिया है? मैं उस पर ऑफिशियली कमेंट नहीं करूं क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं था। मेरा काम जो था ये जेडीएस कांग्रेस अलायंस स्टिच अप करना था, तो मैं इसी तक वो अपनी बात कह सकता हूं। सी आफ्टर दिस वर्डिक्ट देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, आइदर बीजेपी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट और जेडीएस कांग्रेस शुड कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो जेडीएस एंड कांग्रेस हैज कम टुगेदर, द ऑफर वाज मेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, वी हैव एक्सेप्टेड इट, आई कम्युनिकेटेड इट टू मिस्टर देवेगौड़ा एंड मिस्टर कुमारस्वामी, एंड द पार्टी हैज एक्सेप्टेड इट, एंड वी आर गोइंग टू जॉइंटली वी आर गोइंग टू मीट गवर्नर आफ्टर 5:30 टुडे। शहजाद बहुत बड़ी बाइट आगे जिसका इंतजार हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिया बीजेपी जेडीएस का। तो शहजाद कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं साफ साफ। मैं जब तक दानिश अली का बहुत सम्मान करता हूं, पर देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी जो बोलते हैं वो अंतिम लकीर होती है। दानिश अली बाइट दें अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि 10-12 सीटों पर अभी भी टक्कर चल रही है कांग्रेस बीजेपी में, 1000 का डिफरेंस है, तो ऐसी नौबत भी और पहले तो गवर्नर इनवाइट करेंगे किसी को, वो स्टेक क्लेम करेगा, वो तो सबसे बड़ी पार्टी को किया जाएगा फिर। बिल्कुल, वो सबसे अगर प्रीपोल अलायंस नहीं है मिलेगा, तो फिर सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट किया जाएगा और 10-15 दिन का वक्त मिलेगा फ्लोर टेस्ट के लिए भी। अच्छा एक मिनट, टी रामचंद्रन साहब, डिस्क्रिशन है गवर्नर का, अगर गवर्नर सोचे कि ये गठबंधन उनसे बड़ा है तो ही हैज द डिस्क्रिशन टू इनवाइट देम। लेकिन अभी अभी समर्थन की चिट्ठी बात हुई थी, प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता था मुलाकात करने के लिए, उसको उन्होंने अभी इजाजत नहीं दिया, ये हमें खबर मिल रही है। वो ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे लकीर के फकीर हो, अगर वैसे जाएं तो लार्जेस्ट पार्टी को उनको बुला के चांस देना पड़ेगा टू प्रूव दैट मेजॉरिटी, और 10 से 15 दिन का मौका भी देना पड़ेगा।